हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं मैक बाइंडिंग इन आरएचएल 7। लास्ट वीडियो हमने डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना सीखा था। इस वीडियो हम डीएचसीपी सर्वर के थ्रू किसी क्लाइंट मशीन को स्टैटिक आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करते हैं ये सीखेंगे। इसके साथ ही हम डीएचसीपी सर्वर का लीज डेटाबेस कहाँ पर स्टोर होता है और उसको अपडेट कैसे करते हैं ये भी इस वीडियो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएचसीपी लीज डेटाबेस होता क्या है। डीएचसीपी सर्वर डीएचसीपी लीज डेटाबेस में उन सभी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन रखता है जिसको उसने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है और अभी तक उसने कितने क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है और किस क्लाइंट मशीन को कौन सा आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है और उनका लीज कब एक्सपायर हो रहा है ये सारी डिटेल लीज डेटाबेस में डीएचसीपी सर्वर स्टोर करता है। अब बात करते हैं कि लीज डेटाबेस स्टोर कहां पर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए और उसके बाद आपको मूव करना है cd /var/lib/dhcp डी। इसके अंदर डीएचसीपी सर्वर का लीज डेटाबेस स्टोर होता है। इसके अंदर आपको एक फाइल दिखाई देगी dhcpd.lij। इस फाइल के अंदर डीएचसीपी सर्वर का लीज डेटाबेस स्टोर होता है। इसको चेक करने के लिए आप कैट कमांड यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें कुछ डिटेल यहां पर बता रहा है कि किस मशीन को उसने कौन सा आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है। जैसे ये वाला जो आईपी एड्रेस है इसने इस मशीन को दिया जिसका मैक एड्रेस ये है और ये वाला आईपी एड्रेस इसने इस मशीन को दिया है। तो ये जो डेटाबेस आपको दिख रहा है ये ओल्ड डेटाबेस है। अब डायरेक्ट यहां से भी ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं cat /var/lib/dhcpd और dhcpd.lij। अब बात करते हैं कि डीएचसीपी लीज डेटाबेस को अपडेट कैसे किया जाता है। तो इस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए आपको डीएचसीपी सर्वर की सर्विस रिस्टार्ट कर देना है। जैसे आप डीएचसीपीडी की सर्विस रिस्टार्ट करते हैं तो ये लीज डेटाबेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी डीएचसीपी सर्विस स्टार्ट है या नहीं। तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे systemctl status dhcpd.service। तो अभी ये सर्विस इनएक्टिव है और क्लाइंट मशीन पर जाइए, एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको जाना है सिस्टम टूल्स और सिस्टम टूल्स के अंदर आपको जाना है सेटिंग। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नेटवर्क, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, इसको अभी तक कोई भी आईपी एड्रेस मिला नहीं। आप यहाँ पे जो एडिट बटन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए, आईपी वर्जन 4 पर क्लिक कीजिए। तो इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है डीएचसीपी सर्वर के थ्रू, तो इसे अभी तक डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस मिला नहीं। तो इसको डिसेबल और इनेबल कीजिए। तो नहीं मिला, देखिए क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी तक हमारा डीएचसीपी सर्वर एक्टिव नहीं है। यहाँ पर बता रहा है, देखिए एक्टिव मोड इनएक्टिव बता रहा है। तो सबसे पहले हमें डीएचसीपीडी की जो सर्विस है उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसको स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करना है systemctl start dhcpd.service। उसके बाद फिर से इसका स्टेटस चेक कर लीजिए। तो देखिए अब एक्टिव है। अब इसको आप डिसेबल, देखिए यहाँ पर इसको आईपी एड्रेस असाइन हो गया है 172.18.209.52। अगर नहीं मिला है तो आप इसे इनेबल और डिसेबल करके देखिए। तो यहां पर आपको जो आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर के थ्रू से मिला है वो यहां पर आपको डिस्प्ले कर देगा। अभी इसे जैसे डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस मिला है 172.18.209.52 और जो डीएनएस सर्वर है वो ये वाला है और ये डिफॉल्ट गेटवे है। और उसके बाद यम सर्वर पर जाइए और यहाँ पर वो डोरा प्रोसेस जो हमने लास्ट टाइम देखा था वही ये चीजें बता रहा है यहाँ पर।
अब हमें लीज डेटाबेस चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीएससीपीडी जो सर्विस है उसे रिस्टार्ट कर देते हैं, रिस्टार्ट डीएससीपीडी डॉट सर्विस। उसके बाद लीज डेटाबेस चेक करने के लिए आपको कमांड लिखना है वार लिब डीएससीपीडी डीसीपी डॉट सर्विस सॉरी लीज। तो यहां पर बता रहा है, जैसे यहां पर देखिए आप, ये आईपीआरएस इस मशीन को असाइन हुआ है जिसका नाम है CL1। देखिए पिछली बार ये नेम नहीं आ रहा था, जब हमने लास्ट टाइम जब देखा था लीज डेटाबेस तब उसमें नेम नहीं आ रहा, सिर्फ हार्डवेयर एड्रेस आ रहा था और ये सारी डिटेल आ रही थी। तो अभी ये बता भी रहा है कि क्लाइंट होस्ट नेम CL-1 है। पहले क्यों नहीं आ रहा था, जब पहले आईपीआरएस उस क्लाइंट को मिला था तो हो सकता है उस क्लाइंट को होस्ट नेम असाइन नहीं हुआ हो, या जो डिफॉल्ट होस्ट नेम यूज हो रहा था असाइन हुआ था वही यूज कर रहे हो। तो अभी इसका होस्ट नेम है, आप चेक कर लीजिए, यहां से टर्मिनल ओपन कीजिए, और इसका होस्ट नेम चेक कर लीजिए, होस्ट नेम सिटी, तो इसका होस्ट नेम है CL-1.mysolutions.com। यही आपको यहां पर देखिए होस्ट नेम बता रहा है CL-1, और इसको मैक एड्रेस ये, और इसको आईपी एड्रेस हुआ 52। तो इस तरह आप लीज डेटाबेस चेक कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डीएचसीपी सर्वर के थ्रू किसी क्लाइंट मशीन को स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको जो डीएचसीपी सर्वर की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको आपको एडिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस फाइल में जाइए, vim/etc/dhcp/dhcp.conf, और उसमें यहां पर आपको एक ऑलरेडी एक ऑप्शन यहाँ कुछ वैल्यू यहाँ पर दिखेगी। देखिए जब भी आपको किसी क्लाइंट मशीन को स्टैटिक होस्ट स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है तब आपको ये एंट्री करनी होती है। तो इसको यहां से कॉपी कर लीजिए और इसको सबसे नीचे यहां पर पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद इसका होस्ट नेम मैं चेंज कर देता हूं, तो हमारे पीसी का होस्ट नेम है CL-1, और यहां पर उसका मैक एड्रेस आपको लिखना है। तो इसके लिए आप यहां पर जाइए क्लाइंट मशीन पर और इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लीजिए। तो इसके लिए एडिट बटन पर क्लिक कीजिए और डिटेल्स में आपको हार्डवेयर एड्रेस यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और साथ कैंसिल, और उसके बाद यम सर पर जाइए और यहां पर उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये उसका मैक एड्रेस कॉपी हो गया। उसके बाद यहां पर एक एंट्री और आपको करनी है, ऑप्शन होस्ट हाइफन नेम, कोई जो आपका होस्ट नेम है क्लाइंट का, जो भी होस्ट नेम है वो आप होस्ट नेम यहां पर प्रोवाइड कीजिए। जैसे हमारे पीसी का होस्ट नेम है CL-1.mysolutions.com। उसके बाद जो आईपी एड्रेस आप उस क्लाइंट को असाइन करना चाहते हैं वो आईपी एड्रेस आपको यहां पर टाइप करना है। जैसे मैं उसको असाइन करना चाहता हूं 172.18.209. अब जैसे हमारे पास जो रेंज है वो 50 से लेकर 60 है, तो मैं उसको 58 वाला आईपी एड्रेस असाइन करना चाहता हूं। उसके बाद इसको सेव कर लीजिए इस फाइल को, और उसके बाद डीएचसीपी की जो सर्विस है उसे रिस्टार्ट कर दीजिए आप। उसके बाद क्लाइंट मशीन पर जाइए और इसको एक बार डिसेबल कीजिए लैन कार्ड को, और इनेबल कीजिए। तो देखिए इस बार इसे आईपीएस मिला है 58, पिछले बार इसे मिला था 52। अब हम सर पर जाइए और लीज डेटाबेस चेक कीजिए,
यहाँ पर देखिए आपको एक चीज नोटिस होगी, जो आईपी एड्रेस को असाइन हुआ है उसकी यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है। देखिए आपने हमने सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया डीएचसीपी की, फिर भी यहाँ पर वो एंट्री नहीं है, यहाँ पर अभी भी वो ओल्ड एंट्री ही बता रहा है। उसका रीजन ये है कि जो हमने जो इसको जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस है, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस की एंट्री इस लीज डेटाबेस में नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो डायनेमिक आईपी एड्रेस आप यहाँ से प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट मशीन को, केवल उन्हीं की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। तो इस तरह आप डीएचसीपी सर्वर के थ्रू किसी क्लाइंट मशीन को स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना लीज डेटाबेस आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने सीखा कि डीएचसीपी सर्वर का लीज डेटाबेस स्टोर कहां पर होता है और उसको अपडेट कैसे करते हैं, और डीएचसीपी सर्वर के थ्रू किसी क्लाइंट मशीन को स्टैटिक आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये इस वीडियो हमने सीखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।